हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इन पार्ट फोर वीडियो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 9.4 ऑफ एनसीईआरटी बुक। नाउ स्टूडेंट, इन पार्ट फाइव वीडियो वी विल सॉल्व लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 9.4 ऑफ एनसीईआरटी बुक, एंड आफ्टर देन वी विल सॉल्व ए क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 ऑफ एनसीईआरटी बुक। नाउ एग्जांपल नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 9.4। एग्जांपल नंबर 14, इसमें कहा जा रहा है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 1000 डबल इटसेल्फ। नाउ सॉल्यूशन, यहां हम लेट कर रहे हैं, लेट कैपिटल पी बी द प्रिंसिपल प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज 5% ऑफ पी, मीन्स डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5% ऑफ पी, यह गिवेन है। दिस इंप्लाइज दैट डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाइड बाई पी। तो यहां से हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा पी अपॉन 20। अब स्टूडेंट, वेरिएबल सेपरेबल किया जाए तो यहां से होगा डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी टी अपॉन 20। ऑन इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट, इंटीग्रेट किया जाए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 20 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी वन। यहाँ सी वन यूज कर रहे हैं, वेयर सी वन इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू होगा लॉग पी। स्टूडेंट, लॉग मॉड पी होगा, प्रिंसिपल हमेशा पॉजिटिव होगा, यही रीजन है कि यहाँ हम लॉग पी लिखे हैं। और ये हो जाएगा टी अपॉन 20 प्लस सी वन। तो यहाँ से स्टूडेंट पी की वैल्यू निकाला जाए तो हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर टी अपॉन 20 प्लस सी वन। कहीं लिखा हो लॉग पी इक्वल टू टी अपॉन 20 प्लस सी वन, तो पी इक्वल टू होगा ई रेस टू द पावर टी अपॉन 20 प्लस सी वन। इसे हम सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर हम इनिशियल कंडीशन लगा दें तो यहां लिखेंगे इनिशियली, इस स्टार्टिंग में, व्हेन पी इज इक्वल टू स्टूडेंट, जब पी की वैल्यू मीन्स प्रिंसिपल की वैल्यू रुपीज 1000 होगा तो टाइम टी जीरो होगा, या जब टी जीरो होगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा रुपीज 1000। देन फ्रॉम फर्स्ट तो फर्स्ट से हम लोग लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1000 पी की जगह लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट एक काम किया जाए यहाँ पर कि इसको हम लोग चेंज कर ले रहे हैं तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर टी अपॉन 20 इंटू ई रेस्ट टू द पावर सी वन। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, अपने सुविधा के लिए लिख रहे हैं।
और इसे लिख सकते हैं e रेस्ट टू द पावर t अपॉन 20 इंटू e रेस्ट टू द पावर c1 के जगह पर हम कैपिटल C लिख रहे हैं, यहां लिख देंगे वेयर c इज इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर c1 जो कि कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, यहां ऊपर लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अब इसको फर्स्ट लिखा जाए तो यहां लिख लेंगे देन फ्रॉम फर्स्ट तो यह जाएगा पी के जगह पर 1000 दिस इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर टी के जगह पर हम लिख लेंगे 0 अपान 20 इंटू सी मीन्स 1000 इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर 0 इंटू सी 1000 इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर 0 दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई सी दिस इंप्लाइज दैट C इक्वल टू 1000। स्टूडेंट यहां से C की वैल्यू 1000 आ गया, इसे हम लोग फर्स्ट में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट तो यहां पुट किया जाए तो P इज इक्वल टू हो जाएगा P इज इक्वल टू e रेस टू द पावर t अपॉन 20 इंटू C की वैल्यू 1000 तो यहां लिख लेंगे 1000। स्टूडेंट अब हमें यहां पर टाइम फाइंड आउट करना है कब जब प्रिंसिपल डबल होगा। पहले प्रिंसिपल कितना था रुपीज 1000, क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब प्रिंसिपल 2000 रुपीज होगा मींस प्रिंसिपल जो 1000 था वह 2000 रुपीज होने में कितना टाइम लगेगा यही हमें निकालना है। तो यहां हम लोग लिखेंगे लेट लेट टी ईयर्स बी दी इसको सपोज कर लिया जाए सेकेंड बी दी रिक्वायर्ड टाइम या ऐसे भी लिख सकते हैं बी दी टाइम रिक्वायर्ड टू डबल दी प्रिंसिपल। देन स्टूडेंट पहले प्रिंसिपल 1000 था तो उसका डबल कितना हो जाएगा तो ये लिख लेंगे 2000 पी के जगह पर दिस इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर टी अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई 1000 से टू टाइम्स ये कैंसिल होगा मींस ई रेस्ट टू द पावर टी अपॉन 20 इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट यहां से हम लिख सकते हैं टी अपॉन 20 इक्वल टू दोनों साइड का लाग लिया जाएगा तो हो जाएगा लाग 2 बेस ई मतलब जब ये एक्सपोनेंट हटाएंगे तो इस साइड में लाग ऑपरेट हो जाएगा तो हो जाएगा लाग 2 बेस ई यहां से टी की वैल्यू निकाला जाए तो 20 लाग 2 बेस ई दिस इंप्लाइज दैट रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 20 लाग 2 बेस ई यही आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
x plus 2 into y plus 2, find the solution curve passing through the point 1 minus 1. Given differential equation. Given differential equation है x y dy by dx, this is equal to x plus 2 into y plus 2. यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल किया जाए तो वेरिएबल सेपरेबल किया जाएगा तो हो जाएगा y अपान y प्लस 2 dy इज इक्वल टू x प्लस 2 अपान x dx. वेरिएबल सेपरेबल करने पर ये टर्म मिलेगा. आन दिस इंप्लाइज दैट, या ऐसे लिख सकते हैं आन इंटीग्रेटिंग, यहां से इंटीग्रेट किया जाए. जब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन y अपान y प्लस 2 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपान x dx प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जहां पर c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है. तो हो जाएगा इंटीग्रेशन y, यहां लिख सकते हैं y प्लस 2 माइनस 2, 2 ऐड कर दिया जाए और 2 माइनस कर दिया जाए, अपान y प्लस 2 dy इज इक्वल टू, यहां डिवाइड किया जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 2 अपान x dx प्लस c. This implies that ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये इसको डिवाइड करेगा तो जाएगा 1 माइनस 2 अपान y प्लस 2 dy, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 अपान y प्लस 2 dy, दिस इक्वल टू. अब स्टूडेंट यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 2 log mod x प्लस सी, इस साइड में भी किया जाए इंटीग्रेशन तो जाएगा वाई माइनस टू लाग मार्ड में वाई प्लस टू, दिस इक्वल टू यक्स प्लस टू लाग मार्ड यक्स प्लस सी. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर्व इज पासिंग थ्रू, वन माइनस वन से कर्व पास कर रहा है तो यह पॉइंट इस इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा. यहां से लिख लेंगे y की जगह लिखेंगे माइनस वन, दिस इक्वल टू टू लाग मार्ड में y की जगह हो जाएगा माइनस वन प्लस टू, दिस इक्वल टू x के जगह पर हम लोग लिख लेंगे वन प्लस टू लाग मार्ड में x के जगह पर लिखेंगे वन और प्लस ये हो जाएगा c. दिस इंप्लाइज दैट माइनस वन माइनस टू लाग, अब स्टूडेंट ये हो जाएगा मार्ड में वन और मार्ड वन की वैल्यू वन ही होगा, दिस इज इक्वल टू वन प्लस टू लाग, ये हो जाएगा वन प्लस सी. अब यहाँ इसको इस साइड में ले आएंगे तो माइनस टू लाग वन की वैल्यू जीरो, दिस इक्वल टू टू इंटू ये भी हो जाएगा जीरो प्लस सी, दिस इंप्लाइज दैट माइनस टू माइनस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू माइनस टू. यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी की वैल्यू आया माइनस टू, जिसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां लिखेंगे पुटिंग
वैल्यू ऑफ सी इन फर्स्ट वी गेट, सी की वैल्यू है माइनस टू, तो हो जाएगा वाई माइनस टू लॉग मॉड में वाई प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लॉग मॉड में एक्स, यहां पर हो जाएगा सी की वैल्यू है माइनस टू। दिस इंप्लाइज दैट वाई माइनस, स्टूडेंट यह एन लॉग एम के फॉर्म में है जिसकी वैल्यू होगा लॉग एम रेस्ट टू द पावर एन, तो हो जाएगा लॉग मॉड में वाई प्लस टू का यह हो जाएगा होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू एक्स प्लस, यह भी उसी तरह से लिखा जाएगा, तो हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर और ये माइनस टू। यहाँ पर स्टूडेंट ऑलरेडी ये पॉजिटिव आएगा तो यहाँ मॉड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा तो यहाँ भी मॉड का कोई मतलब नहीं है, तो जाएगा वाई माइनस लॉग, ये हो जाएगा वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू एक्स प्लस लॉग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। दिस इंप्लाइज दैट वाई माइनस एक्स, इसको इस साइड में ले आया जाए, ये हो जाएगा माइनस लॉग वाई प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट माइनस टू को इस साइड में ले आएंगे तो जाएगा प्लस टू, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हो जाएगा ये वाई माइनस एक्स प्लस टू, और यहां पर माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा लॉग वाई प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट वाई माइनस एक्स प्लस टू माइनस, अब यह लॉग एम प्लस लॉग एन के फॉर्म में है जिसकी वैल्यू होगा लॉग एम इन टू एन, तो यहाँ हम लोग स्टूडेंट लिख लेंगे लॉग एक्स स्क्वायर इन टू वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मिलेगा वाई माइनस एक्स प्लस टू, इसको इस साइड में भेजा जाए तो दिस इक्वल टू हो जाएगा लॉग, अब इसे लिख सकते हैं एक्स इन टू वाई प्लस टू पूरे का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। स्टूडेंट यही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व करना है जो किसी बेस पे सॉल्व होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 आप लोगों को सॉल्व करना है। थैंक्स।